फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेकअप लुक है आप देख सकते हैं, ये है सेलिब्रिटी मेकअप लुक, जो आप इस तरह का गेटअप कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, निविया का मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपने फेस पर इस तरह से इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इससे आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएगा और इसमें जो मेकअप है वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये फेयर स्किन के लिए है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैक का फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट भी ज़्यादा अप्लाई मत कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को लेके इस तरह से अच्छे से अपने फेस पे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद आपको लेना है कोई भी एक कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। आप चाहें तो कोई भी लूज पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद अपने फेस को अच्छे से इस तरह से डैबिंग मोशन में आप अपने फेस को लॉक कर लीजिए प्रोडक्ट को। फेस को जब भी आप प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो पाउडर लॉकिंग है वो डैबिंग मोशन में ही होना चाहिए। उसके बाद मैं अपने आई मेकअप को करना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आईब्रो पैलेट में से लाइट वाला लेके अपने पूरे आई लिड पर इस तरह से अप्लाई कर लिया। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जो साड़ी होने वाली है वो ब्लैक है, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे एकदम ज़्यादा ब्लैक भी नहीं लिया है। फ्रेंड्स, आप ट्राई करें कि जितना लाइट प्रोडक्ट हो वो आप लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। उसके बाद से इस तरह से ब्रश के हेल्प से अपने आई पर इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट सीमर लिया है। फ्रेंड्स, वाइट सीमर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इस आई मेकअप पर, क्योंकि जो मेरी साड़ी है वो उसमें ब्लैक के साथ में वाइट बॉर्डर दिया हुआ है, उसके साथ ये आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आपको पता है जो भी सेलिब्रिटी मेकअप करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लाउड आई मेकअप भी करना नहीं होता है। जितना भी हो सके मिनिमम प्रोडक्ट ही लेते हैं और आई मेकअप तो बहुत ज़्यादा न्यूड और सटल होता है उनका। फ्रेंड्स, उसके बाद से इस तरह से मेरा आई मेकअप जो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डन हो गया है। आपको इस तरह से वाइट सीमर को लेके अच्छे से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपको मिड अपने आई बॉल एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करना है, इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी आई मेकअप जो है वो डन हो गया है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्लैक साड़ी के लिए है तो थोड़ा सा सीमर ज़रूरी था। उसके बाद आपको चाहें तो ये अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये काजल जो है वो हुडा ब्यूटी का काजल है। इसको मैं एज ए लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो सेलिब्रिटी होते हैं वो आपको पता है कि जो भी लाइनर लगाते हैं वो विंग वाला लाइनर उतना भी उनको मैंने नहीं देखा है। जब भी सेलिब्रिटी आई मेकअप करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग स्मच वाला ही लाइनर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक काजल लेना है और काजल किस तरह से अप्लाई कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद से आपको ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, स्मॉल साइज वाला ब्लेंडिंग ब्रश लेके उसको आपको इस तरह से अच्छे से स्मच कर देना है। इससे आपका जो आई लाइनर है वो अच्छे से स्मच हो जाएगा। फ्रेंड, जो आई मेकअप है बहुत इजी तरीके से कुछ ही मिनट में रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये आई मेकअप। उसके बाद से अगर आपको लगता है कि आपका जो लाइनर है वो अच्छे से स्मच नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से ब्रश को लेके फिर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, स्मच कर लीजिए। आपका जो आई मेकअप है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हम आई मेकअप करते हैं सेलिब्रिटी वाला, तो बहुत ज़्यादा आई मेकअप को लाउड भी मत रखिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आई मेकअप जो है वो डन हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पे मैक का मस्कारा लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेलिब्रिटी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आई लैसेस वेयर नहीं करते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी जो पार्टी वगैरह में जाते हैं उसको इस तरह से आई मेकअप करना रहता है। उसके लिए आपको कोई भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम देने वाला मस्कारा लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर मैक का लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है फ्रेंड्स। वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, अपने लैसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से
कल कर देता है। उसके बाद से यहाँ पे बारी आ जाती है आईब्रो की। आईब्रो को फिल कर लीजिए फ्रेंड्स, और अच्छे से इसमें भी ब्लैक आईब्रो फिलर का मैं यूज नहीं कर रही फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्राउन वाला ही लिया है। ब्राउन वाला से जो आपका आईब्रो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है फ्रेंड्स। आपको पहले इस तरह से अप्लाई करना है, फिर उसमें पीछे से जो छोटा सा कोम दिया होता है उससे अच्छे से आपको कोम करना है। इससे जो आपका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो डस्ट आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लशर लिया है। ब्लशर को आपको अच्छे से अप्लाई करना है फ्रेंड्स। जो सेलिब्रिटी होते हैं वो ब्लशर को बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं। ब्लशर पे आपका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद से हाइलाइटर लिया है मैंने फ्रेंड्स। सेलिब्रिटी मेकअप हो रही है तो हाइलाइटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। हाइलाइटर से ही सेलिब्रिटी का जो बहुत ज़्यादा चार चांद लग जाती है। उसके बाद से आपको नेक पार्ट में भी उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने वो वीडियो ऐड नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। उसके बाद से यहाँ पे मैं लाइनर को फिल कर रही हूँ, लिप को फिल, लिप लाइनर को लिप में पूरा फिल किया। उसके बाद से लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो कोई अच्छा ब्रांड का लिपस्टिक ले सकते हैं। इसके बाद से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा जो मेकअप लुक है वो डन हो गया है। आप इस तरह से कुछ ही टाइम में ये मेकअप लुक तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स, जो कि मैं अगला वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, और आपको किस तरह से मेकअप लुक चाहिए वो भी मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।